हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे आप सरकारी नौकरी में काम कर रहे हो या प्राइवेट में, डिस्टेंस से आपको बहुत सारी जो होती है, कई बार हमें नीड हो जाती है कि हमें कोई ना कोई कोर्स करना होता है, ग्रेजुएशन या मास्टर। और जहाँ पर हमें ये होता है, जॉब के साथ साथ हम रेगुलर कोर्स तो नहीं कर पाते हैं, बट डिस्टेंस ही फिर हमारे पास ऑप्शन रह जाता है। तो डिस्टेंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो उसी में से एक है, जैसे कि आपको पता है कि अधिकतर मैं रिव्यू करता हूँ और यूनिवर्सिटी आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ, जिसमें कि अगर आप जाना चाहें तो उसमें आपको ये रहता है कि हाँ, एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए। तो आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने रहा हूँ, उसका नाम है सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर राजस्थान की है। जयपुर राजस्थान में अगर इस साल हम बात करें 2026 तक के लिए जो अप्रूवल आए DEB का, यानी कि जो आप मैंने अभी पुरानी पिछली एक वीडियो डाली थी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि DEB का अप्रूवल हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो DEB की वेबसाइट पे जाके, जैसे आप चेक होता है कि स्टेट वाइज हम देख सकते हैं, तो राजस्थान की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको DEB का अप्रूवल इस साल मिला है, वो भी अगले 5 सालों के लिए। फिर बात करते हैं ये कि इस यूनिवर्सिटी से आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट के लिए ये होता है कि हमेशा हम क्या देखते हैं कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को UGC का अप्रूवल है, UGC के साथ DEB का अप्रूवल है, तो यानी कि उससे अगर हम कोई कोर्स करते हैं तो वो वैलिड माना जाएगा। तो यूनिवर्सिटी को जो है UGC और DEB दोनों का अप्रूवल मिला हुआ है। अगर इसके अलावा बात करूँ मैं, यूनिवर्सिटी AIU यानी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की मेंबर है और AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का भी इसको अप्रूवल मिला हुआ है। बट अगर हम डिस्टेंस में बात करें, AICTE का कोई वैलिडेशन नहीं माना जाता, बट हाँ, ये है यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला हुआ है। बात करते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की। तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.sgvu.edu.in है, यानी कि इसके अलावा अगर कोई और वेबसाइट आप देखते हैं तो वो पूरी की पूरी गलत है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी सिर्फ ये है www.sgvu.edu.in। फिर बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर की। 2012 से ये यूनिवर्सिटी जो है एजुकेशन लाइन में रन कर रही है, लेकिन 2012 से ये सिर्फ रेगुलर मोड में थी और अब 2021 से ये जो है डिस्टेंस में इसने शुरू किया है। NAC एक्रेडिटेशन की बात करें तो NAC एक्रेडिटेशन में इसको A ग्रेड मिला हुआ है और जल्द ही इसको A+ भी मिल जाएगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी की जो अपकमिंग प्रेस रिलीज है उसमें बताया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एजुकेशन के लिहाज से, क्योंकि ये है जयपुर राजस्थान में है और राजस्थान की पूरी स्टेट में इकलौती प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको अप्रूवल है, और कोर्सेज अगर हम बात करें तो इसमें BA MA के साथ साथ फिर BCOM, MCOM, BJMC, MBA और BBA ये कोर्सेज हैं, और MBA में इसमें टोटल मिलाकर 23 स्पेशलाइजेशन है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम ऐसे स्पेशलाइजेशन डिस्टेंस में सर्च करते हैं जो अधिकतर यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाती है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी, कि ऐसे ऐसे कोर्सेज आप जो सर्च करते, कई बार हमें भी क्वेरी आती है जो कोर्स हम सर्च करते रहते हैं वो हमें नहीं मिल पाते। तो अगर आप भी कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन में लुकिंग है तो एक बार सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन दी हुई है। वैसे यूनिवर्सिटी अपने आप को जो है CDOE भी बोलती है, यानी कि यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो जो है यूनिवर्सिटी का सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सारा पैटर्न ऑनलाइन इन्होंने किया हुआ है। यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन मान के चलिए, अगर वैसे तो आप एडमिशन अगर सुरेश ज्ञान विहार में लेना चाहते हैं, हमारे सेंटर से भी ले सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के बाद आप वहाँ पर फी भी सबमिट कर सकते हैं। फी सबमिट करने के बाद ये आपका एक SID, स्टूडेंट ID को वहाँ पर SID शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर आपका लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है। लॉगिन करने के बाद फिर क्या है कि वहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती है, जैसे अदर यूनिवर्सिटी में भी आती है। फिर बात करते हैं कि इसमें जो आपके जो रहते हैं, जैसे कि इसमें अगर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। एग्ज़ाम का पैटर्न इसमें ऑनलाइन है। ऑनलाइन भी मतलब ऐसा नहीं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है। ऑनलाइन में इसमें क्या करते हैं कि आपको 30% तो इसका आपका जो रहता है असाइनमेंट या प्रैक्टिकल है, यानी कि अगर आपका BA BCOM इनकी बात करें जो प्रैक्टिकल कोर्सेज नहीं है, तो उसमें आपका असाइनमेंट ज़्यादा है 30%, और 70% जो होता है आपका जो एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, आप कोई भी प्लेन पेपर या यूनिवर्सिटी से जब एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम पे आपको एक मेल आ जाती है जिसको आपको A4 पर प्रिंट निकालना होता है। क्वेश्चन पेपर आपको एक जो स्टूडेंट कॉर्नर होता है वहाँ पर आता है, वहाँ से क्वेश्चन पेपर को आप जो है देखकर उसका आंसर फिल करके प्रिंट जो निकालते हैं और उसको वापस से अपलोड करना होता है अपने स्टूडेंट कॉर्नर पर। तो वहाँ पर जाकर आपका इवैल्यूएशन हो जाता है और जिससे आपके मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। तो हाँ, वैसे ऑनलाइन ही है, लेकिन उसको आपको कैप्चर करके अपलोड करना होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। और अगर आप इसका फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो फीस स्ट्रक्चर के लिए मैं एक काम करता हूँ, आप इसी वीडियो में बने रहिए, मैं उसका पूरा फीस स्ट्रक्चर आपको डाल दूंगा कि क्या क्या कोर्सेज है, किस स्पेशलाइजेशन के साथ है और उनकी फीस क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे क्वेरी कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।